महमूद ने लंबे समय तक फिल्मों में काम किया था। इसके बाद उन्होंने फिल्म बनाने की सोची और जनता हवलदार नाम से फिल्म बनाई, जिसके लिए उन्होंने राजेश खन्ना को चुना। फिल्म में हेमा मालिनी भी लीड रोल में थी। फिल्म जनता हवलदार की शूटिंग महमूद अपने फार्म हाउस पर कर रहे थे। एक दिन की बात है जब उनके बेटे की मुलाकात राजेश खन्ना से हुई। महमूद का बेटा उन्हें सिर्फ हेलो बोलकर निकल गया। हालांकि राजेश खन्ना को महमूद के बेटे का ये रवैया पसंद नहीं आया था। हुआ ये कि इस बात से राजेश खन्ना नाराज हो गए थे और शूटिंग पर देर से आने लगे थे। इस वजह से फिल्म की शूटिंग करने में महमूद को परेशानी होने लगी थी। फिर एक दिन महमूद खुद पर काबू नहीं रख पाए और जैसे ही राजेश खन्ना देरी से पहुंचे तो महमूद ने बिना सोचे समझे उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया। अचानक महमूद की इस हरकत से राजेश खन्ना दंग रह गए और कुछ समझ नहीं पाए। थप्पड़ मारने के बाद महमूद ने गुस्से में कहा, आप सुपरस्टार अपने घर के हैं, फिल्म में मैंने आपको पूरी कीमत दी है और आपको ये फिल्म पूरी करनी होगी। हालांकि महमूद की नाराजगी देखने के बाद राजेश खन्ना समय पर सेट पर पहुंचने लगे थे। महमूद को 1943 में पहली बार बॉम्बे टॉकीज फिल्म में काम करने का मौका मिला था। इसके बाद उनके करियर ने रफ्तार पकड़ी और उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर में करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था।